उत्तर प्रदेश जनपद के मेरठ जिले में थाना कंगरखेड़ा एसएचओ दीपक शर्मा को मिली बड़ी कामयाबी। दरअसल मामला मेरठ के ग्रांड रिसाला मैरिज होम कंकरखेड़ा से 5 दिन पूर्व एक शादी समारोह के दौरान जेवरात चोरी हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए वो अन्य घटना के फराक में कुछ व्यक्ति सरधना फ्लाईओवर के नीचे मंदिर के पास खड़े थे, जिसमें की मुखबर की सूचना पर पुलिस ने एक महिला और पुरुष को दबोच लिया जो कहीं जाने की तलाश में खड़े हुए थे। पुलिस दोनों आरोपियों की निशानदेही से एक हार, एक जंजीर, एक झुमकी, दो कंगन और एक मंगलसूत्र, साथ ही 1700 रुपए की राशि भी बरामद की है। साथ ही दोनों अभियुक्त को रिश्ते से पति पत्नी भी बताया है, जिसमें कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हमने 5 और 6 दिन पहले ग्राउंड रिसाला मैरिज होम से राज की मदद से जेवरात चुराए थे, जिसमें कुछ सफेद धातु के गहने और रुपयों से भरा बैग संस्कृति मंडप से राज के साथ चुराया था। दोनों अभियुक्त तो शातिर किस्म के अपराधी हैं। इसके अलावा पहले भी इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो कि अभियुक्तों द्वारा लूट के दौरान सभी जेवरात बेचने के लिए जा रहे थे, जिसमें कंकरखेड़ा पुलिस द्वारा दोनों को पकड़ लिया गया और घटना का खुलासा किया गया। मेरठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि जहाँ शादी हो रही है, शादी और बारात घरों में शादी जहाँ हो रही है, वहाँ दूल्हा दुल्हन के मंच के पास कोई उनका जो मिलने वाले गिफ्ट उपहार लिफाफे वो कलेक्ट करने वाला कोई परिवार का आदमी होता है। और ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं हो गई इस बीच में पिछले 6-8 महीने कि वो बैग गायब हो जाता है वहां से, उसके बाद लोग परेशान होते हैं, उनका माल जाते हैं, इसका पता नहीं लगता। ऐसी ही एक घटना यहाँ घटी थी, जिसके बाद वहाँ मौके से थोड़ी दूर पर एक बच्चा छोटा सा पकड़ा गया था और पता लगा कि ये पूरा गैंग है, मध्य प्रदेश में चल के यहाँ आता है और इस गैंग ने आसपास के सभी जिलों में इस तरह की वारदातें की। वो पति पत्नी हैं, इनके पास एक गाड़ी है जो अल्टो गाड़ी है और उसमें छोटे छोटे 3-4 बच्चे वो रखते हैं। बच्चे चूंकि बहुत छोटे हैं और नाबालिग हैं, इसलिए उनको इसमें अभियुक्त की श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन जो लोग ये करा रहे हैं। और सबसे खराब बात इसमें ये है कि प्रत्येक जिले में इनका एक वकील है, जहां भी इनके आदमी कहीं पकड़ जाते हैं या जेल जाते हैं, ये वकील तुरंत संपर्क करने लगते हैं कि 24 घंटा हो गया, कैसे भेज सकते हैं, 300 ऐसे में आप भेज सकते हैं, रिमांड कैसे मिले, हम आएंगे, हम खड़े होंगे, इस तरह की बातें करते हैं। वो स्थानीय पुलिस का जवाब बनाते हैं। हम ऐसे सभी वकीलों जो अलग अलग जनपदों में मध्य प्रदेश की इस गैंग, ये अकेला गैंग नहीं है, वहां मध्य प्रदेश के क्षेत्र से कम से कम 8-10 ऐसे गैंग हैं जो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मुरैना, भिंड, कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ में इस तरह की घटनाएं, शादियों के जब सीजन आते हैं उसमें लगभग हर दिन किसी न किसी शादी में ये बैग, पैसों से भरा हुआ बैग, गहनों से भरा हुआ बैग उठाने का काम करते हैं। सर, जो एक बात सामने आ रही है, वकील लोग इनका पूरा सहयोग करते हैं, उनकी क्या भूमिका है पूरे गैंग का? क्या देखिए, हम उनकी भूमिका की डिटेल में वो तो ये कहते हैं साहब, हमको तो फीस मिलती है, हमको पहले भी करेंगे, हमारा पेशा है, हमारा व्यवसाय है, लेकिन पर्टिकुलर गैंग केवल एक ही एक वकील हर जिले में उनका होना, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। हम इसकी पूरी विवेचना करेंगे, अगर इसमें इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो हम उनके बार को, उनके बार के पदाधिकारी सूचना देंगे, इनके विरुद्ध भी इनका देखिए वो हिस्सा लेंगे तो वो तो कहेंगे था, हमने फीस नहीं है, हम किसी से 500 भी ले सकते हैं, हम किसी से 50,000 भी ले सकते हैं, ये हमारा व्यवसाय। देखिए, अभी तो इसमें एक सदस्य इनका जो नाबालिग था उसको हमने इनकी सपोर्टिंग में दे दिया, जो बालिग है भाग गया है, जो पर्स लेके गया था इनका वो फरार है। और इसके अलावा उसी क्षेत्र के कई और गैंग हैं, जो वकीलों के कन्वर्सेशन में हमें पता लगा है कि कई एक गैंग है, लेकिन सभी मध्य प्रदेश कोई इनकी मोडस ऑपरेंडी बहुत प्लेन एंड सिंपल है। ये शादी विवाह घरों में ही जाते हैं, जहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं, पहले किसी काम के बहाने वहाँ रैकी कर लेते हैं ये पता करने के लिए कब कब यहाँ शादी है। जिस शादी घर में एक दिन कर लेंगे वहाँ दूसरे दिन नहीं जाएंगे, दूसरे शादी घर में जाएंगे, फिर तीसरे शादी घर में जाएंगे और जब तक शादियों का सीजन चलता रहेगा ये कहीं न कहीं स्ट्राइक करेंगे और बैग लेके भागेंगे। देखिए, अभी जो हमारे पास सीसीटीवी उपलब्ध है, इनकी घटना और इनके साथ साथ चोरी की घटना जो है, इन दो घटनाओं का खुलासा हुआ है। बाकी आपके माध्यम से जब ये समाचार जाएगा, लोग अगर संपर्क करते हैं उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, बाकी घटनाओं का भी खुलासा होगा। घटना खुलने से पहले बाकी आरोप लगाया था पुलिस से? देखिए, अभी तो इनकी समझ है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आरोप लगाना इनका काम है,
तब भी मैं कह रहा था कि पकड़े जाएंगे रिकवरी होगी, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि गैंग पूरा पकड़ा गया, रिकवरी हुई और लगभग सबरी कभी हो गई है, और जो इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो सफल नहीं। अब ये देखिए, किसी एक आदमी के कहने से पुलिस की छवि पे तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहना नहीं चाहिए जब तक पूरी बात न समझ में, नहीं कहना चाहिए। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जहां जहां कहा है वहां कम से कम ये तो बता दें कि नहीं सर मेरी बात शंका के आधार पर थी, गलत थी, और ये ऐसे ऐसे हुआ है, इस तरह से ये ऑपरेशन करते हैं इनको।